बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ पलवशा इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रायवंड का वजीर आजम चौथी बार सिलेक्ट होना चाहता है, जो तीन बार फेल हुआ चौथी बार कौन सा तीर मारेगा। मियां साहब पहले भी हुकूमत दिलवाने वालों से लड़े, हमें पता है आगे भी वही मियां साहब फिर वही करेंगे, नुकसान अवाम का होगा। बिलावल भुट्टो का तीमर ग्राह में खिताब, कहा मियां साहब वोट की इज्जत की सियासत करें, वोट की बेइज्जती की सियासत ना करें, एक बार तो मुंतखब होकर आएं, अगर आप चौथी बार भी सिलेक्ट होकर आए तो अवाम नहीं मानेंगे। मजीद बोले साबिक चेयरमैन PTI ने अंपायर की उंगली पर सियासत की, आज नुकसान भुगत रहे हैं। मौजूदा मुआशी बोरान में अवाम खिलाड़ी बर्दाश्त कर सकते हैं ना इंतकाम की सियासत। पता लगना चाहिए 93, 99 और 2017 में हमें क्यों निकाला गया, नवाज शरीफ का सवाल। पार्टी पार्लियामेंट इजलास से बोले कि 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर हमें निकाल दिया गया और 2022 तक मुल्क का भट्टा बैठ गया। अच्छे भले लोगों के हाथ से इक्तदार लेकर अनाड़ी के हाथ में दिया गया। मुल्क की मौशी तबाही करने वालों का मुहासबा होना चाहिए। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। शहबाज शरीफ बोले खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल अवाम के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया, नवाज शरीफ के वापस आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, अमन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करना होगी। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस की तकरीब से खिताब, कहा बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफे अव्वल में नजर आते हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। और दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, 24 घंटों में 250 हमले, खान यूनस, रफा, शुजाया और नसायरत के पनाह गुजीन कैंपों पर बमबारी, एक रोज में मजीद 350 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी, मजमू शहदा की तादाद 17,400 से तजावज कर गई। उधर अमरीका ने सलामती कौंसल में गजा में जंग बंदी की करारदाद एक बार फिर वीटो कर दी। UN सलामती कौंसल में 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, अमरीका की मुखालफत, बरतानिया गैर हाजिर रहा। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको बताएं कि दुआ मैरिज कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग एकेडमी की CEO मोहतरमा शाजिया जहीर की जानिब से कराची के निजी होटल में खवातीन के हवाले से बड़े पैमाने पर अवार्ड सेरेमनी इवेंट का इनेकार किया गया। तकरीब में काजिम पाशा, जोहरा आसिम, सैयदा सोबिया शाह, मरियम फहीम, फातिमा आमिर और समीना और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मैडम शाजिया जहीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि DMC वुमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक NGO है, हमारा ये इदारा मैच मेकर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं और साथ ही बेरोजगार खवातीन को काम करने के जराए फराहम करते हैं, उनको घर बैठे मैच मेकर्स बनने की बिला मुआवजा ट्रेनिंग देते हैं। आज कराची के निजी होटल में मैच मेकर्स दुआ मैरिज कंसल्टेंसी की मेंबर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर अवार्ड सेरेमनी इवेंट का इनेकार किया गया है। इवेंट में शाजिया जहीर की सालगिरह का केक काटा गया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।